और मैं हूं कामशा। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं केमिकल एक्सफोलिएशन के बारे में। केमिकल एक्सफोलिएशन क्या होते हैं, केमिकल और फिजिकल एक्सफोलिएशन में क्या डिफरेंस होता है, इसके साथ साथ आपको अपनी स्किन टाइप के हिसाब से, स्किन कंसर्न के हिसाब से कौन से एक्सफोलिएंट्स यूज करने चाहिए, कितनी बार यूज करने चाहिए, और इसके साथ साथ गाइस मैं अपना 2 महीने का पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ इस प्रोडक्ट के बारे में। यह है डॉट इनकी का हाइड्रोपील ग्लो पोशन 10% AHA प्लस 2% BHA एक्सफोलिएटिंग सीरम। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरी जो स्किन है वो है एक्सट्रीमली ऑयली और एक्ने प्रोन, तो मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस होगा इस प्रोडक्ट के बारे में उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा, फायदेमंद होगा जिनकी स्किन टाइप मेरे जैसी है। लेकिन इसके अलावा अगर आपकी स्किन टाइप कोई भी हो, ड्राई सेंसिटिव या फिर कोई भी कॉम्बिनेशन, आप सभी के लिए ये जो वीडियो है बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। इस वीडियो में मैं लाइव डेमो में दिखाऊंगी कि आपको इस प्रोडक्ट को कैसे यूज करना है, इस प्रोडक्ट को यूज करने से पहले और इस प्रोडक्ट को यूज करने के बाद आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ये जो प्रोडक्ट है वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, 30 ml की क्वांटिटी आपको 1095 rupees की मिलती है, इसीलिए इस प्रोडक्ट को मैंने पूरे 2 महीने दिए हैं और आज मैं अपना 2 महीने का पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। अभी मुझे इस प्रोडक्ट के बारे में इन एंड आउट सारी की सारी जानकारी है, तो वही सब कुछ मैं आज इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सो गाइज, आपको जान के हैरानी होगी कि आपकी जो स्किन है वो नई नई सेल्स को रीजनरेट करती है, डेड स्किन सेल्स को इकट्ठा करती है और डेड स्किन सेल्स को रिमूव करती है, और आइडियल सर्कमस्टेंसेस में ये जो 3 प्रोसेस हैं वो आपकी स्किन खुद से करती है। आपको किसी भी एक्स्ट्रा चीज की जरूरत नहीं है इनमें से कोई भी प्रोसेस करने के लिए, बट सन एक्सपोजर और एजिंग की वजह से जो प्रोसेस है वो स्लो डाउन हो जाता है। और ये जो 3 प्रोसेस मैंने आपको बताया, न्यू सेल का रीजनरेशन, डेड स्किन सेल्स का इकट्ठा होना और डेड स्किन सेल्स का निकलना, ये जो 3रा प्रोसेस है इसे करने के लिए आप यूज करते हो एक्सफोलिएंट्स। और गाइस, आपको अपनी स्किन को एक्सफोलिएट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर डेड स्किन सेल्स को आप अपने आप से नहीं निकालोगे तो आपकी स्किन बहुत ज्यादा डल लगने लगेगी। इसके साथ साथ गाइस, एक्सफोलिएशन आपकी स्किन को ब्राइटनिंग इफेक्ट देने से लेके एक्ने स्कार्स को फेड करने तक, सन डैमेज से लेके आपकी स्किन पे जो डिस्कलरेशन होते हैं, ये सब एक्सफोलिएशन करता है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं केमिकल और फिजिकल एक्सफोलिएंट्स के बारे में। केमिकल एक्सफोलिएंट्स कुछ एसिड होते हैं जिन्हें आप एक्सफोलिएटिंग एसिड्स के नाम से भी जानते हैं। उसके ऑपोजिट फिजिकल एक्सफोलिएंट्स को आप स्क्रब के नाम से जानते हैं। डॉक्टर मिशेल के अकॉर्डिंग, जो कि एक फेमस प्लास्टिक सर्जन है, केमिकल एक्सफोलिएंट्स यानी कि एक्सफोलिएटिंग एसिड्स आपकी स्किन के आउटर मोस्ट लेयर को पेंट्रेट करते हैं और स्किन के सेल्स जिस बॉन्ड से जुड़े रहते हैं उस बॉन्ड को ये वीक कर देते हैं, और इसी वजह से जो डेड स्किन की सेल्स आपकी स्किन पे जम गई है उसे ये इजीली निकाल देते हैं। और केमिकल एक्सफोलिएंट्स जो काम केमिकली करते हैं, फिजिकल एक्सफोलिएंट्स यानी कि आपके स्क्रब वही काम मैन्युअली करते हैं। लेकिन कभी कभी जो स्क्रब होते हैं कुछ लोगों के लिए थोड़े से हार्श हो सकते हैं। इसके साथ साथ केमिकल एक्सफोलिएंट्स क्योंकि आपके स्किन पे डीपली काम करते हैं, अंदर से काम करते हैं, इसीलिए ये ज्यादा इफेक्टिव होते हैं फिजिकल एक्सफोलिएंट्स की कंपैरिजन में। डॉक्टर मिशेल बोलती हैं, अगर आप केमिकल एक्सफोलिएंट्स रेगुलर बेसिस पे यूज करोगे, जैसे कि आप अपने रेगुलर स्क्रब यूज करते हो, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपकी स्किन ज्यादा स्मूथर लगेगी, ज्यादा फर्मर लगेगी, इवन टोन हो जाएगी, और ये आपके पोर्स को अनक्लॉग करता है, और इसके साथ साथ गाइस एक्ने कॉजिंग सीबम को भी ये रिमूव करता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि केमिकल एक्सफोलिएंट्स फिजिकल एक्सफोलिएंट से कितना ज्यादा इफेक्टिव हो सकता है आप लोगों के लिए। तो चलिए अब बात कर लेते हैं केमिकल एक्सफोलिएशन कितने टाइप के होते हैं और आपको अपनी स्किन टाइप और स्किन कंसर्न के हिसाब से कौन सा एसिड एक्सफोलिएशन के लिए यूज करना चाहिए। केमिकल एक्सफोलिएंट्स इन जनरल 3 टाइप के होते हैं, AHA, BHA एंड PHA। लेकिन आज के इस वीडियो में हम जिस प्रोडक्ट का रिव्यू करने वाले हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ AHA एंड BHA है, इसीलिए आज के इस वीडियो में मैं PHA के बारे में बात नहीं करूंगी। सो गाइस, AHA यानी अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड, ये वाटर सोल्यूबल होते हैं और इसमें कॉमन जो इसके एग्जाम्पल हैं वो हैं आपके ग्लाइकोलिक एसिड, लैक्टिक एसिड, मैलिक एसिड एंड सिट्रिक एसिड। लेकिन आपको इन जनरल अपने स्किन केयर प्रोडक्ट में ग्लाइकोलिक एसिड और लैक्टिक एसिड ज्यादा देखने के लिए मिलेंगे। ये वाटर सोल्यूबल होते हैं और आपकी स्किन के सिर्फ और सिर्फ सर्फेस पे काम करते हैं। ये आपकी स्किन के टेक्सचर को इम्प्रूव करने के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है।
और डॉक्टर किंग के अकॉर्डिंग अगर आपकी स्किन एक्सट्रीमली ड्राई है या फिर आप ड्राई स्किन कैटेगरी में आते हैं तो आपके लिए AHA एक्सफोलिएंट्स यूज करना ज्यादा बेनिफिशियल है। AHA की 5% से लेके 10% की कॉन्सेंट्रेशन काफी ज्यादा इफेक्टिव रहती है। सो गाइज, नेक्स्ट हम बात करेंगे BHA के बारे में। BHA की फुल फॉर्म होती है बीटा हाइड्रोक्सी एसिड और इसका जो कॉमन एग्जाम्पल है वो है सैलिसिलिक एसिड। BHA ऑयल सोल्यूबल होते हैं इसीलिए आपके पोर्स को पेंट्रेट कर जाते हैं। ये आपकी स्किन के टेक्सचर को तो इम्प्रूव करते ही हैं लेकिन आपकी स्किन पे डीपली काम करते हैं। ये आपके पोर्स को अनक्लॉग करते हैं और एक्ने कॉजिंग बैक्टीरिया और सीबम को भी रिमूव करते हैं। डॉक्टर ग्रॉस के अकॉर्डिंग BHA हाईली रिकमेंडेड है अगर आपकी स्किन सेंसिटिव हो, ऑयली या फिर एक्ने प्रोन हो तो, क्योंकि BHA की जो इंटरनल प्रॉपर्टी होती है, BHA का जो नेचर होता है वो सूथिंग और कामिंग प्लस एंटी इंफ्लेमेटरी होता है। इसके साथ साथ ये थोड़ा सा ड्राइंग साइड में भी आते हैं तो इसीलिए जब भी आपका BHA वाला कॉन्सेंट्रेटेड सीरम मिलेगा तो उसमें AHA जरूर होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे डॉट एंड की का ये हाइड्रोपील ग्लो है, इसमें भी 10% AHA और 2% BHA है, क्योंकि AHA और PHA मिलके आपकी स्किन के मॉइस्चर लेवल को भी मेंटेन रखते हैं। तो गाइस अब बात कर लेते हैं मैच्योर स्किन वालों की। अगर आपकी स्किन में एजिंग के साइन है तो रिकमेंडेड है कि आपको AHA प्लस BHA बेस्ड स्किन केयर रूटीन फॉलो करना चाहिए। यह आपकी स्किन के डीपर रिंकल्स और फाइन लाइंस पे काम करता है। इसके साथ साथ गाइस एज के साइन को भी विजिबली रिमूव करता है तो आपके लिए हाईली रिकमेंडेड है कि आप AHA BHA डेली बेसिस पे यूज करें। जरूरी नहीं है कि आप एक्सफोलिएटिंग सीरम यूज करें लेकिन मैंने आपके साथ ऑलरेडी AHA BHA बेस्ड स्किन केयर रूटीन शेयर किया था, उसके लिए आप यूज कर सकते हैं डॉट एन की का जिट जैपिंग स्किन क्लैरिफाइंग सीरम। इसमें AHA और BHA दोनों हैं और इसके साथ साथ एज अ मॉइस्चराइजर आप यूज कर सकते हैं प्लम का ग्रीन टी मैटिफाइंग मॉइस्चराइजर जो आजकल मैं यूज करती हूँ। तो गाइस चलिए अब बात कर लेते हैं इस प्रोडक्ट के बारे में। ये जो सीरम है ये इस टाइप के आउटर बॉक्स में आता है जैसे कि डॉट एंड की के सारे सीरम आते हैं इस टाइप से। इसे आपको यहाँ से खोलना है और यहाँ पे आपको सीरम की बॉटल मिल जाएगी जो कि इस टाइप की फॉर्म में आती है। थोड़ी सी बड़ी है लेकिन ये बहुत ही ज्यादा इजी टू यूज है। जनरली जो छोटी छोटी सीरम की बॉटल होती है वो मुझसे जनरली गिर जाती है लेकिन इसके साथ ये प्रॉब्लम नहीं है। तो इसकी पैकेजिंग मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी। इस बॉक्स पे आप यहाँ पे देख सकते हैं इसके पीछे मेंशन किया है कि ये जो सीरम है वो क्या क्लेम करता है। इसके साथ साथ आपको डायरेक्शन टू यूज भी इस पे देखने के लिए मिल जाएगी और इंग्रेडिएंट भी आप यहाँ पे साफ साफ देख सकते हैं। डॉट इन की एक इंडियन ब्रांड है और इसमें आपको कोई भी हार्मफुल केमिकल नहीं मिलता है। इसके साथ साथ ये डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड और 100% सेफ है। इसमें आपको लैक्टिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड, प्रोपिलीन ग्लाइकोल, सैलिसिलिक एसिड मिलता है और इसके साथ साथ बाकी के भी इंग्रेडिएंट आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगी AHA जो होते हैं वो फ्रूट डेराइव्ड होते हैं और इसके साथ साथ आप इन्हें लैब में सिंथेटिकली भी ड्राइव कर सकते हैं लेकिन इस पर्टिकुलर सीरम में ये नेचुरल फॉर्म में पाए गए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो AHA हैं इन्होंने इन्हें फ्रूट से डेराइव किया है। अब देख लेते हैं ये क्या क्लेम कर रहा है। तो गाइस ये क्लेम कर रहा है आपकी स्किन को स्मूथर बनाएगा, सॉफ्टर बनाएगा और फर्मर लुक देगा। इसके साथ साथ आपके पोर्स को अनक्लॉग करेगा, आपकी स्किन को इवन टोन करेगा और एजिंग के साइन पे भी काम करेगा और आपकी स्किन को रेडियंट और ग्लोइंग इफेक्ट देगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो डर्मेटोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग एक केमिकल एक्सफोलिएंट करता है वो सारे के सारे ही क्लेम ये प्रोडक्ट कर रहा है। तो ये होगा इसके इंग्रेडिएंट की बात, इसके क्लेम्स की बात। इसका प्राइस मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। 30 ml की क्वांटिटी आपको 1095 rupees में मिलती है। 3 साल इसके साथ आपको शेल्फ लाइफ मिलती है। मैं इसे 2 महीने से यूज कर रही हूँ और क्योंकि मेरा जो स्किन केयर रूटीन है वो AHA BHA बेस्ड है तो डेली बेसिस पर भी मैं अपनी स्किन के लिए एक्सफोलिएटिंग एसिड यूज कर रही हूँ और इसके साथ साथ मैं रेटिनॉल यूज कर रही हूँ। रेटिनॉल एक मल्टीटास्कर होता है जो आपकी स्किन को एक्चुअली में एक्सफोलिएट करता है। तो ये सजेस्टेड है, ये रिकमेंडेड है कि अगर आप AHA BHA बेस्ड स्किन केयर रूटीन फॉलो कर रहे हो और रेटिनॉल आपके स्किन केयर रूटीन में है तो आपको कोई भी एक्सफोलिएटिंग सीरम सिर्फ और सिर्फ वीक में एक बार यूज करना है क्योंकि आपकी स्किन में बहुत ज्यादा जो डेड स्किन की सेल्स हैं वो जमेंगी ही नहीं। तो इसीलिए इसे मैंने सिर्फ और सिर्फ वीक में एक बार यूज किया है। तो 2 महीने में मैंने इसे 8 बार यूज किया है। डायरेक्शन टू यूज में आपने देखा होगा आपको इसकी सिर्फ और सिर्फ 2 या 3 ड्रॉप लेनी है।
इसीलिए ये जो 30 ml की क्वांटिटी है ये काफी लंबे टाइम के लिए आपके लिए चलेगी, लास्ट करेगी। तो यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैं लाइव डेमो में आपको दिखा रही हूँ। तो जब भी आप ये एक्सफोलिएटिंग सीरम यूज करें, आप अपनी स्किन को क्लीन करें, उसके बाद टोन करें। तो क्लीन करने के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी, कभी भी कोई भी ऐसा फेस वॉश यूज ना करें जिसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट हो। तो इसीलिए मैं प्रेफर करती हूँ एलोवेरा जेल यूज करना। तो मैं बहुत टाइम से, मैं अपनी काफी सारी वीडियो में आपको रिकमेंड कर चुकी हूँ कि आजकल मैं ला ऑर्गेनो का 99% प्योर एलोवेरा जेल स्किन को क्लीन करने के लिए यूज कर रही हूँ। तो इस सीरम को यूज करने से पहले मैंने ला ऑर्गेनो का एलोवेरा जेल अपनी स्किन पे लगाया, 5 मिनट बाद अपने फेस को वॉश कर दिया, सर्कुलर मोशन में किया। आपकी स्किन के लिए बहुत ही ज्यादा माइल्ड है और बहुत अच्छे से आपकी स्किन को क्लीन कर देता है। उसके बाद आपको टोनर यूज करना है, और फिर से आपको ध्यान रखना है, ऐसा टोनर लेना है जो नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना हो, जिसमें कोई भी एक्टिव इंग्रेडिएंट नहीं हो। तो यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप या तो अपना सिंपल प्लेन रोज वाटर ले सकते हैं, नहीं तो आप द बॉडी वेन्यू का क्यूक्यूम्बर फेशियल टोनर ले सकते हैं। ये नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना है, इसमें नीम, तुलसी, एलोवेरा, ग्रीन टी और क्यूक्यूम्बर के एक्सट्रैक्ट है। तो ये बहुत ही ज्यादा माइल्ड है और बहुत ही अच्छे से काम करता है। उसके बाद आपको इस सीरम के सिर्फ और सिर्फ 3 ड्रॉप लेनी है, सिर्फ और सिर्फ 3 ड्रॉप लेनी है। और जैसे आप अपना कोई भी रेगुलर सीरम अपनी स्किन पे लगाते हैं, वैसे ही इसे लगा लेना है, अच्छे से एब्जॉर्ब करा लेना है मसाज करने के बाद। इसे लगाने के बाद आपको कुछ भी फील नहीं होता है, मुझे बिल्कुल भी किसी टाइप की कोई इरिटेशन या फिर जलन नहीं हुई। आपको घड़ी में देख के पूरे 10 मिनट तक वेट करनी है और 10 मिनट बाद ठंडे पानी से अपना फेस वॉश कर लेना है। तो गाइस, स्क्रब आप सभी ने यूज किए होंगे। जब आप स्क्रब यूज करते हो तो आपकी जो स्किन होती है बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाती है, आपके नाक पे जो ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स होते हैं वो बहुत अच्छे से निकल जाते हैं। ट्रस्ट मी गाइस, इस एक्सफोलिएटिंग सीरम को यूज करने के बाद भी आपको बिल्कुल वैसा ही फील होगा। आप जब अपने स्किन को धोएंगे तो आपकी स्किन बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाएगी। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया, केमिकल एक्सफोलिएंट स्किन की सरफेस के साथ साथ स्किन के अंदर से भी आपकी स्किन पे काम करते हैं, तो ये ज्यादा इफेक्टिव होते हैं स्क्रब से। तो इसीलिए मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगी, अगर आप 25+ हैं, आपकी स्किन टाइप चाहे कोई भी हो, ये जो सीरम है आपके लिए बहुत अच्छे से काम करेगा। स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया, डर्मेटोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग ड्राई स्किन के लिए AHA बेस्ट है, ऑयली प्लस एक्ने प्रोन या फिर सेंसिटिव स्किन के लिए BHAs प्लस AHA बेस्ट है। अगर आपकी स्किन मेच्योर है तो AHA प्लस BHA सीरम आपको अपने डेली स्किन केयर रूटीन में डालना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो सीरम है वो एकदम परफेक्ट है अगर आपकी स्किन कोई भी टाइप की हो तो। इसके साथ साथ गाइस, ये डिस्कलरेशन पे काम करता है, एक्ने कोई नया आपको नहीं आने देता, आपके एनलार्ज पोर्स को भी ये विजिबली रिड्यूस करता है। लेकिन क्योंकि इसे आपको सिर्फ और सिर्फ वीक में एक बार यूज करना है, तो इसीलिए इसका असर इतना ज्यादा आपके एनलार्ज पोर्स पे नहीं दिखाई देगा। तो ये जो प्रोडक्ट है मेरी तरफ से, ये हाईली रिकमेंडेड है। भले ही आपको ये लग रहा हो कि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, बट गाइस, 3 ड्रॉप इसकी आपको हफ्ते में सिर्फ और सिर्फ एक बार यूज करनी है। लेकिन अगर आप AHA BHA बेस्ड स्किन केयर रूटीन फॉलो नहीं कर रहे हो या फिर रेटिनॉल आप यूज नहीं कर रहे हो, तब भी आपको, जब आप इसे पहली बार यूज करें, पहली बार लें, तो वीक में एक बार लगाएं। लेकिन धीरे 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 आप अपनी स्किन को बिल्ड कर सकते हैं और इसकी जो फ्रिक्वेंसी है उसे बढ़ा सकते हैं 3 बार तक। तो इसे आप हफ्ते में 3 बार तक यूज कर सकते हैं। इस तो गाइज, ये जो सीरम है ये मुझे बहुत बहुत ज्यादा अच्छा लगा, क्योंकि मेरी जो स्किन है वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। मैं स्क्रब जनरली यूज नहीं करती, इसी वजह से आपको ज्यादा स्क्रब के रिव्यू वीडियो भी मेरे चैनल पे नहीं मिलेंगे। जब भी मैं कोई स्क्रब यूज करती हूँ, हिमालय वाले नीम स्क्रब को छोड़ के, मेरे स्किन पे रैशेज आ जाते हैं। तो इसीलिए इस टाइप की जो जिन लोगों की भी स्किन होगी उनके लिए ये एक परफेक्ट एक्सफोलिएट है। गाइस, यहाँ पे आपको एक और बात का ध्यान रखना है, इस सीरम को यूज करने के बाद आपको बहुत ही ज्यादा माइल्ड मॉइस्चराइजर यूज करना है। और हमेशा इस सीरम को मैं रेकमेंड करूंगी, मैं आपको सजेस्ट करूंगी, हमेशा आप रात में यूज करें। इस सीरम को यूज करने के बाद आपको कोई भी एक्टिव इंग्रेडिएंट वाला स्किन केयर प्रोडक्ट अपनी स्किन पे नहीं लगाना है। इस प्रोडक्ट को यूज करने के बाद आप सिर्फ और सिर्फ हिलोरॉनिक एसिड वाला मॉइस्चराइजर लगाएं। मैं जनरली पॉन्ड्स का हिलोरॉनिक एसिड वाला ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर यूज करती हूँ, रात में भी और दिन में भी। आप इस सीरम को यूज करने के बाद रेटिनॉल से दूर रहें, विटामिन सी से दूर रहें, एटलीस्ट 2 दिन तक।
स्टार्टिंग में आप ये जो पीरियड है उसे बढ़ा भी सकते हैं। लाइक स्टार्टिंग में जब आप इसे पहली बार यूज करें तो कम से कम भी 3 दिन विटामिन सी और रेटिनॉल को अपनी स्किन पे लगाना अवॉइड करें। लेकिन जैसे जैसे आपकी स्किन बिल्ट होने लगेगी, यूज टू हो जाएगी, तब आपको सिर्फ और सिर्फ 2 दिन अवॉइड करना होगा। तो गाइज यही कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है। दिन में हमेशा आप सनस्क्रीन यूज करें। सनस्क्रीन का इस प्रोडक्ट से कुछ लेना देना नहीं है, सनस्क्रीन आपके लिए मस्ट है, आपको हमेशा हमेशा यूज करनी है। लेकिन अगर आप अवॉइड करते हो सनस्क्रीन यूज करना, तो इस प्रोडक्ट के बाद तो आपको सनस्क्रीन जरूर से यूज करनी है। तो बस इन्हीं कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है। और इस पील पोर्शन से आपको डरने या घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ स्क्रब की तरह आपकी स्किन पे काम करता है। मैंने बहुत सारे रिव्यू देखे हैं जिन्हें देखने के बाद मुझे थोड़ा सा डर लगने लगा था कि भाई ये प्रोडक्ट मेरे लिए सूटेबल होगा भी या नहीं होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। कोई जलन नहीं होती है, कोई इरिटेशन नहीं होती है, ऐसा कुछ भी आपको फील नहीं होगा। ये बहुत इजीली काम करता है। आपकी स्किन अगर एक्सट्रीमली सेंसिटिव भी हो ना, तब भी आप इसे ले सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ एक्टिव एक्ने पे आपको इसे नहीं लगाना है। एक्टिव एक्ने हो, आपकी स्किन कटी हुई हो, उस जगह पे आपको इस सीरम को नहीं लगाना है। तो आपको वेट करनी है आपके एक्टिव एक्ने को थोड़ा सा सूखने की। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। सी यू, बाय बाय।